सर ये मर्दमशुमार देखिए मेरी बात सुन, ट्रेड में पॉपुलेशन कहाँ से आ गई? आप पॉइंट लेके गई है मुस्लिम्स के ऊपर, मैं ट्रेड वाली बात कर रहा हूँ, ट्रेड पे अगर आप जाए ट्रेड के ऊपर बात करता, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 100 रुपया मेरा नीचे पड़ा हुआ आप वो उठा क्यों नहीं रहे? मेरी बात सुन, इज्जत नफ्स आ जाती है हम कश्मीर पे, हमारी इज्जत नफ्स जाग जाती है, इधर मुस्लिम्स पे क्यों नहीं जाग? आपकी इज्जत उधर भी जागनी चाहिए। पाकिस्तान को जिहादिस्तान भी बोला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसका रीजन ये है कि अभी पाकिस्तान ने भारत से वापस से ट्रेड बहाल करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए वहाँ की जो नई सरकार आई है शहबाज शरीफ वाली, आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड जो है वो बहाल होने जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ है उनकी जानिब से जो है वो इकदाम उठा लिया गया है, तो उन्होंने एक ट्रेड मंत्री बनाया जो कि इंडिया से ट्रेड रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी एक पत्रकार है रिबाना इमरान जी, वो चली गई पब्लिक के बीच में ये पूछने के लिए कि भैया ये बताओ कि ये जो ट्रेड बहाली की जो शहबाज शरीफ ने जो कदम उठाया है क्या पाकिस्तान को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और उनको मिल गया एक जाहिल इंसान जिसको सुन सुन के अगर आपके पेट में दर्द ना हो तो सारे पैसे वापस। उन्होंने ट्रेड बहाल करने का कह दिया इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, आपको क्या लगता है ये एकदम अच्छा है? चीज़ें होती हैं इंसान की इंटेग्रिटी की होती हैं और कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं इंसान की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कुछ किसी चीज़ के अंदर ना कौम की गैरत वाला फैक्टर आता है। अगर उसको पैसों की मद में अगर आप तोलेंगे ना तो आप जैसी घटिया कौम कोई नहीं होगी। अच्छा, पैसा जो होता है ना वो हाथ किसी भी तरीके से अगर आप इनडायरेक्ट कोई अनफेयर मींस यूज़ करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। इज्जत जो होता है ना, अगर किसी कौम का वकार है, अगर आपको रूखी सूखी अगर यहाँ पे प्राइस अगर डॉलर में कहता हूँ पेट्रोल की प्राइस 200 रुपये मिल जाती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर आपको वैल्यू किया जाता है और आपको लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं, आपको भिखारी नहीं कंसीडर करते, तो मेरे ख्याल से वो 200 रुपये के पैसे ज़्यादा है आपकी इज्जत के साथ। इस भाई को अच्छी तरीके से पता है पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया के अंदर भिखारी कंसीडर किया जाता है। तो मेरे भाई तुम हो भिखारी, भिखारी हो तुम, भूखे नंगे कंगले हो तुम और कंगाली के दहाने पे चले गए हो, ये भी सुन लो कि डॉलर की कीमत ओपन मार्केट में 193 रुपए को भी उबूर कर गई है। ओरे बाबा, हम ये समझते थे कि पाकिस्तान आईसीयू में है, लेकिन पाकिस्तान आईसीयू में नहीं है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पर है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और पाकिस्तान एक ऐसा दरख्त है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं बची। बात तो सही है। तो अगर आप ये कि वो कंट्री जिनके साथ हमारे इवन आज़ाद कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जितने जुल्म सुतम हुए हैं 70,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, आए रोज़ जो औरतें होती हैं उनके साथ जना वगैरह की ज़्यादती वाले केसेस हो जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, उनकी आज़ादी को रोका जा रहा है, फिर आप उन लोगों के डिसीजन जो ले रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि आप एक तरफ से कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, हम जी आपको शहरक कंसिडर करते हैं, फिर हम आपके जितने भी एहसास हैं ख्याल हैं उनको पूरी तर्जमानी करते हैं और हम आपके वकील हैं और वकालत का एक दर्जा देते हैं अपने आप को, फिर जब इस चीज़ पे आती है प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हैं एक्चुअल मींस पे जाते हैं, जब आपके एक्चुअल आपके एक्शन नज़र आते हैं तो उसके अंदर आप 0 पॉइंट नज़र आता है, कोई फैक्टर इस तरह का नज़र नहीं आता कि जिसके अंदर हमें। मेरे दोस्त ये कश्मीर में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कभी यूट्यूब में सर्च करना कश्मीर ब्लॉग के नाम से, हजारों वीडियो लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे बलूचिस्तान के अंदर जो आपकी आर्मी कर रही है जो आप बोल रहे हो वो परफेक्टली फिट बैठ रहा है। सही बात है, कश्मीर हमारी शहरक है एंड ऑल दैट। तो सर उधर की जानिब से ये कहा जाता है जैसे आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, ठीक है, उसके बाद देखा जाता है उनका, उन्होंने एक द कश्मीर फाइल्स भी बनाई, ठीक है, उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट आती है कि हमारे पंडितों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा गया था, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर, मतलब हमारी ट्रेड बहाल होनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से अगर आप कश्मीर को अगर अपनी शहर कंसीडर करते हैं और अगर आप ये समझते हैं कि वो हमारे भाई हैं तो अगर इस तरह ये है तो फिर इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करें, फिर आप इसराइल को भी तस्लीम कर लेना, इतने दूसरे तीसरी जगह का आपने दर्द क्यों बहाल रखा अपने पास? गजब डूबी बाज आदमी। जब आप कश्मीर के नाम पे आप एड लेते हैं, आपको एड आती है, आप वहाँ से एनजीओज आती हैं वो उनके पैसे और उनकी मदद आती है, कश्मीरी इस वक्त जो है तकरीबन 35 लाख से ऊपर के करीब तीन कश्मीरी हैं जो बाहर गए हैं, फॉरेन रेमिटेंस आपको भेजे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो मायशत है वो कंट्रोल में आई हुई है, डॉलर बाकी चीज़ें प्राइसिंग में मायशत हमारी कंट्रोल में जी कंट्रोल में थी और होनी है। ये भाई साहब पता नहीं कौन सी मायशत की बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कौन सी ख्याली दुनिया में रह रहे हैं, किसी को नहीं पता है, शायद आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। भाई साहब तुम्हारी जो मायशत है और जो तुम्हारा डॉलर जिसकी तुम कह रहे हो ना कि डॉलर कंट्रोल में, एक झलक देख लो आप यार, मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया, अब करना क्या, और तो कुछ भी नहीं करना, रैप अप करो, पैकअप करो, अब सब बोरिया बिस्तरा बांधो, चलो
क्या है मतलब, अब तो इकोनॉमी में रही कुछ नहीं गया ना। लेकिन अगर उसके लिए तरीका ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है ना, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आर्मी चीफ साहब आपके होते हैं 4 साल के लिए, गवर्नमेंट होती है 5 साल के लिए, सबसे पहले ये दोनों का टेलिंग। पता है कि हमारी इकॉनमी कितनी डाउन जा रही है? जी जी मुझे पता है इस चीज़ का। देखिए हमारी इकॉनमी का पूरा फेस क्या होता है कि रिसेशन पे जाती है इकॉनमी। आप कभी भी ग्राफ देख लें, अपनी पूरी पिछली पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, ग्राफ नीचे जाता है जीरो लेवल से फिर अप जाता है। अब देखें जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है 5.6 GDP थी, जब आप तस्लीम नहीं कर रहे IMF ने अब तस्लीम जाके किया कि 5.6 GDP जीरो नेगेटिव पे थी जब इमरान खान साहब आए। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब की कमालात है? तो नहीं, वजह यह है कि हमारी इकॉनमी का स्ट्रक्चर इस तरह बिल्डिंग हुआ हुआ है कि हमारी इकॉनमी ने ऊपर नीचे मूव ऑन करना है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अब अगर कर्जों की मद और बाकी चीज़ें देखी जाएंगे, इतनी इंस्टेबिलिटी लेके इत्तेसाब के अमल देखें किसी भी मुल्क के अंदर, अगर आप चाइना की मिसाल ले लें तो चाइना के अंदर सबसे पहले किस तरह की कौम थी चाइना हमसे 1960 से पहले की चाइना का जिक्र है, वहाँ पर जना कर आम थी, सूद था, जुआ, नशा, ये सारे फैक्टर थे और वो करप्शन सबसे ज़्यादा थी। पहला चाइना एक मुल्क है जिसने करप्शन की बेस पर लोगों को सजाएं दी। ये सारी बातें की जो चाइना में ईगर मुस्लिम के साथ हो रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, वो मैं जिस पॉइंट के लिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ, देखिए चाइना के कुछ अपने मामलात में चाइना को एज ए फ्रेंडली कोई कंट्री नहीं समझ रहा, उनके मफादात हमसे हैं, वो मफादात उस तर्ज के हैं, उस वक्त के लिए हैं जब तक उनके लिए ये सी पैक वाला मामला हल नहीं हो जाता, और जब तक हम उनके लिए बाएं बाजू की कुव्वत है उनके लिए, और जब तक ये हमारा एक रोल इस तरह का हुआ हुआ है कि जियोग्राफिकली हमारी पोजीशन वो है कि उसके बेस पे हमने उनके लिए। राम 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 रिबाना जी आपने क्या बोल दिया, उइगर मुसलमानों पे पाकिस्तानी कुछ बात करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये तो गोल गोल घुमा देंगे, उइगर वाले मुसलमान थोड़ी ना वो, उनको वहां पे उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उनकी दाढ़ी काट दी जाती है, सारी कुरानों को जला दिया है, मस्जिदों को तोड़ के टॉयलेट बना दिया है, लेकिन वो उइगर मुसलमानों पे इन पाकिस्तानियों की जुबान नहीं खुलेगी। हम बिजनेस की जानिब आके और चाइना से वो चीज़ नहीं छेड़ते कि ईगर मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, जब इंडिया पे आता है तो हम जो है हम उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, तो ऐसी बात है। तो ईगर मुस्लिम के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? एक मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं अगर यहाँ पे 100 रुपये फेंक देता हूँ नीचे, यहाँ पे फेंक देता हूँ, 10 बंदे यहाँ पे देख रहे हैं, अब वो 100 रुपये उठाएंगे? नीचे फेंका हुआ आपके नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूँ मैंने फेंक दिए, मैं कोई नहीं उठाऊंगा, क्यों नहीं उठाएंगे? ना 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 बीबी, चाइना मुस्लिमों की तो बात करो ही मत, ना इसने बात करनी है, इसको गोल गोल घुमाना, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है, ये तो बिक चुके हैं, चाइना के गुलाम हो चुके हैं, ये चाइना के शारीरिक मानसिक गुलाम हो चुके हैं। 200 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, लेकिन हम बाहर मुल्क में जाए तो हमारी गैरत होनी चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए, ये इज्जत करवा रहे हैं अपनी उइगर मुसलमानों पे, जुबान नहीं खुल रही है, और बेचारी पत्रकार लगी हुई है, दूसरी बार सवाल पूछ लिया, लेकिन भाई साहब बंदा ठस से मस हो जाए, गोल गोल घुमाया जा रहा है। आज भी वहीं पे इज्जत नफ्स है, मैं चाइना के मामले के अंदर आप मुझे बताएं कि किस हद तक जितने मुस्लिम के साथ उनको, तो देखिए अगर मुस्लिम पूरे ओवरऑल आप मुस्लिम की बात करें ना, कौन सा कंट्री आप पाकिस्तान के अंदर बात करें, यहाँ पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है हमारी, उसकी कितने हकूक का ख्याल रखा गया? क्रिश्चियन का मुझे बताएं कोई पोजीशन जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ किसी बैंक के अंदर, किसी को पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को कभी भी प्रेजिडेंट या बड़ी बड़ी पोस्ट पर हमने नहीं देखा। उसकी वजह क्या होती है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, माइनॉरिटीज़ को किसी हद तक रोका जाता है, और उनके हकूक उस तरीके से नहीं होते जिस तरह मेजर आवाम होती है, और जो मेजर पॉपुलेशन जिस साइड पे होती है, ऐसे चाइना के अंदर है, जो चाइना की पॉपुलेशन अगर पाकिस्तान की बनिस्बत देखें तो उसका उतनी ही डबल हमारे से, तो डबल ट्रिपल आबादी है ना चाइना की, तो वो चाइना की आबादी और कंट्रोल उतना ही मुश्किल। आप मुझे बताएं आपकी पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितना, आपको इतना नहीं, हमें नहीं पता, क्यों नहीं पता? मर्दमशुमारी नहीं हुई, आपको कैसे पता होना है? आपको फैक्शन फिगर तो मर्दमशुमारी बताएगी। एग्जैक्ट फिगर जो हमें पता है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन ये है कि 25 करोड़ के राउंड अबाउट हमारी आबादी। हां लेकिन ये मर्दमशुमारी कब हुई थी जो इसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं सर? ये लास्ट बार हुई है। हाँ, जिसको कराची नहीं मान रहा। इससे बड़ा अगर चुटिया आदमी अगर आपने पूरी दुनिया में कहीं भी देखा हो तो भाई साहब कमेंट करके जरूर बता, जरूर से बता दीजिए। इतना बेवकूफ और जाहिल इंसान, जिद्दी इंसान, मानने को तैयार नहीं, किसी की सुन ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। आई होप ये वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत मजा आया होगा, और इस घोचू के बारे में आप दो चार कमेंट कर ही दो आप। ओके। वीडियो को लाइक मत करना, भले सब्सक्राइब मत करना, लेकिन एक शेयर जरूर से जरूर कर देना, ताकि इस घोचू तक ये वीडियो पहुंचे, और ये जब कमेंट्स पढ़े तब उसका सर पकड़ के वो बैठ जाए।
और इस काम में आपको सपोर्ट करना। और भैया एक चीज और, एक आखिरी फरमाइश है, बस आखिरी, ये YouTube ने थैंक्स बटन दिया है मेरे को, इस थैंक्स बटन पे आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन आएगा, 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, आपका जितना दिल करे। तो भैया वीडियो अगर आपको ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो थैंक्स बटन यूज करो भैया, ये इसीलिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा थैंक्स पे क्लिक करो और कल्याण करो। कोई तरीका है भीख मांगने का? आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।